दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी एचएम क्लासरूम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी के एक सीरीज में आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे क्रिया यानी कि वर्ब की बात हम लोग करेंगे। क्रिया हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में, कि क्रिया क्या है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे समझेंगे कि क्रिया, कर्म और कर्ता, ये मैं फिर से आपको समझाऊंगा। मैंने पिछली क्लास में आपको कारक आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने समझा होगा कर्म, कर्ता और क्रिया, वहां पे मैंने आपको समझाया। यहाँ पे क्रिया एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्रिया का जो प्रकार मैं आपको बताऊंगा, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिया सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, और देखेंगे कि धातु क्या होती है, क्रिया और क्रिया से बना मूल धातु, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों यदि आप लेखपाल, पुलिस, टीटी, सीटेट या समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं, क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द के द्वारा कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से आपको पता चले कि कार्य हो रहा है वही होगी क्रिया, जैसे पढ़ना, आप पढ़ते हैं तो कुछ काम करते हैं ना, तो वो क्रिया पता चलती कि आप कर क्या रहे हैं, उसे कहेंगे क्रिया। लिखना, मैं लिख रहा हूं यानी कि कोई कार्य कर रहा हूं, कार्य करने तो अगर पता चले तो वो क्या होगी, क्रिया। बोलना, ये सब क्या होंगी, क्रियाएं होंगी। क्रिया से पहले हम आपको कुछ उदाहरण से समझाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वह पढ़ रहा है, यहां पे वह पढ़ रहा है यानी कि वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, यहां पर क्या होगी, क्रिया, ये क्रिया हो जाएगी। कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए, यहां पे कार्य कौन कर रहा है यानी कि कौन पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, तो वह क्या होगा, कर्ता। और जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, क्रिया। एक और उदाहरण लेंगे, उसमें आपको तीनों चीजें समझ में आएंगी, कर्ता, क्रिया, कर्म। रमेश पेन से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, यहां पे लिख कौन रहा है, रमेश, तो क्या हुआ, कर्ता, यानी कि जो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, कर्ता। और रमेश क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, तो लिख रहा है, लिख रहा है क्या होगा, क्रिया। और क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है यानी कि किससे लिख रहा है, तो वो पेन होगा, पेन से लिख रहा है ना, तो क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव पेन पे पड़ रहा है, तो इसलिए यह होगा कर्म। आपको कर्ता, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों चीजें समझा दी गई हैं। यहां से हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। दोस्तों आप क्रिया तो समझ गए, लेकिन यह भी समझ लीजिए क्रिया किससे बनती है, यानी कि उसको कहेंगे धातु। धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, जैसे बोलना, मैं बोल रहा हूं तो ये क्रिया हो गई, इसका मूल रूप क्या होगा, बोल, तो ये बोल क्या होगा, धातु होगी, धातु से ही धातु के लास्ट में, अंत में ना लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, क्रिया। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मूल धातु पढ़ है तो इसमें ना लगा देंगे, पढ़ ऐसे ही लिखेंगे, ना लगा देंगे तो बन जाएगी क्रिया, पढ़ना। ऐसे ही मूल धातु क्या होगी, घूम,
और यहां पे ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घूमना। ऐसे ही मूलधातु लिख और क्रिया क्या हो जाएगी, लिखना। हंस मूलधातु क्या है, हंस। ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हंसना। दोस्तों यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बताना चाहेंगे यहां पे कैसे प्रश्न आता है। प्रश्न आएगा बोलना में मूल धातु होगी, तब आप क्या टिक करेंगे, बोल। वहां पे चार ऑप्शन देंगे, बोला, बोलना, बोलो, ऐसे करके चार ऑप्शन देगा। तो प्रश्न पूछेगा कि बोलना में कौन सी मूल धातु होगी, तो आप बताएंगे मोल। तो आपको ना हटा देना है, अगर आपसे कोई धातु पूछे क्रिया से धातु तो आप लास्ट वाला ना हटा देंगे और मूल धातु निकाल लेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। क्रिया के बारे में कुछ और बातें करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, किस आधार पर क्रिया को बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों क्रिया के बारे में कुछ रोचक चीजें देख लेते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अली पुस्तक पढ़ रहा है, यहां पे अली क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो इसलिए पढ़ रहा है क्रिया होगी, ठीक है। यहां पे हम ये देखेंगे कि अगर वाक्य से क्रिया हटा दी जाए तो वाक्य वाक्य का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मैंने क्रिया इसकी हटा दी तो अब आप क्या पढ़ेंगे, अली पुस्तक पढ़, अब क्रिया बची ही नहीं। तो क्रिया का बहुत महत्व है, आप कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वहां पे क्रिया का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा है। अली पुस्तक, जब तक आप क्रिया नहीं लगाएंगे तब तक कोई वाक्य पूरा नहीं होगा, अली पुस्तक पढ़ रहा है, अब ये वाक्य पूरा हुआ। आप क्रिया से ही जानेंगे कि वाक्य में वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल। जैसे पढ़ रहा है वर्तमान काल, पढ़ेगा आप क्या जानेंगे, भविष्य काल की बात कर रहा है, पढ़ा भूतकाल की बात हो गई। यानी कि क्रिया से आपको क्या क्या समझ में आया कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों कालों के बारे में जानकारी मिलती है कि आखिर कोई क्या कहना चाह रहा है, किस काल के बारे में बात करना चाह रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्रिया को कितने आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। तो क्रिया को दो आधार पर बांटा गया है, एक है कर्म के आधार पर क्रिया को बांटा गया है, दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया को बांटा गया है। परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न आता है और यहां से भी प्रश्न आता है, तो हम आपको दोनों के बारे में बताएंगे। हम आज आपको सिर्फ कर्म के आधार पर ही क्रिया को बांट के बताएंगे, ये प्रयोग के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कल करेंगे, हम इसके बारे में कल बात करेंगे एक अगले वीडियो में। आज फिलहाल हम लोग बात करेंगे कर्म के आधार पर। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। और प्रयोग के आधार पर यहाँ पे कई सारी क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणादायक क्रिया, तो ये हम लोग कल बात करेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये भी आपको देखना जरूर पड़ेगा, तभी ये आपकी क्रिया की क्लास कंप्लीट मानी जाएगी। चलिए देख लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स मतलब साथ, यानी कि वो क्रिया जिसके साथ कर्म भी जुड़ा हो। क्रिया के साथ अगर कर्म जुड़ा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक का मतलब क्या होता है, अ मतलब नहीं, वह क्रिया जिसके साथ कर्म न जुड़ा हो उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। यहां पे कुछ उदाहरण देखेंगे, यहां पे भी कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे मोहन किताब से पढ़ रहा है, किताब से पढ़ रहा है। यहां अकर्मक क्रिया को उदाहरण देखेंगे, मोहन पढ़ रहा है। यहां पे सकर्मक में क्रिया के साथ
कर्म भी जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे होगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ ये क्रिया है और इसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है, कर्ता केवल कर्ता है, तो इसलिए ये अकर्मक होगा। अकर्मक क्रिया में आपको कर्म नहीं दिखाई देगा, जैसे मोहन पढ़ रहा है तो इसकी क्रिया क्या होगी, पढ़ना, पढ़ रहा है कौन, मोहन। यानी कि इस शब्द में, इस वाक्य में सिर्फ क्रिया और कर्ता दे रखा है, यहां पे कर्म नहीं दे रखा है। और यहां पे सकर्मक में वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होगा, जैसे मोहन किताब से पढ़ रहा है, पढ़ कौन रहा है, मोहन, यानी कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा, इसलिए मोहन क्या होगा, कर्ता। और किससे पढ़ रहा है, पढ़ किससे रहा है, तो मोहन किताब से पढ़ रहा है। सबसे ज्यादा पढ़ने की, पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किताब पे, यानी कि क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव किताब पे पड़ रहा है, इसलिए किताब क्या होगा, कर्म। तो यहां पे आपका कर्ता, कर्म और क्रिया आपको पता चल गई। तो मैं बस यही बताना चाहता हूं कि सकर्मक में क्रिया के साथ कर्म भी आता है, यहाँ पे क्रिया के साथ कर्म भी आ गया, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। और यहाँ पे क्रिया के साथ कर्म नहीं आएगा, कर्म होता ही नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और देखते हैं, वो उदाहरण देखते हैं जो परीक्षा में आए, आपको मैं वो बताऊंगा परीक्षा में यहां से किस प्रकार के सकर्मक और अकर्मक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, एक दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहला प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटेंगे, तब आप कहेंगे दो भागों में, किस, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया, दूसरा होगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। और प्रयोग के आधार पर हम आपको कर बताएंगे। यहां से आपको मोहन किताब से पढ़ रहा है, इस एग्जाम्पल से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। ऐसे उदाहरण दे देगा और पूछेगा इस वाक्य में कर्ता होगा, तो कर्ता कौन होगा, जो कार्य करेगा, तो मोहन क्या होगा, कर्ता, पहला प्रश्न। दूसरा, इसमें कर्म क्या होगा, तो किताब होगी। तीसरा पूछेगा कि इसमें क्रिया क्या होगी, तो आप बताएंगे पढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अकर्मक क्रिया से यहां पे कर्ता क्रिया पूछ सकता है, वैसे यहां से पूछता कम है, यहां से ज्यादा पूछता है, पर इनकी परिभाषाएं पूछता है जो कि मैंने लिखी नहीं है, सिर्फ बताई है कि क्रिया के साथ ऐसे प्रश्न आएगा कि जहां पर क्रिया के साथ कर्म आता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तब आप कहेंगे सकर्मक क्रिया। चार ऑप्शन होंगे, आपको उसमें टिक करना है सकर्मक क्रिया। एक दूसरा प्रश्न ये आएगा कि क्रिया के साथ जिसमें कर्म नहीं आता है उसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया। यानी कि यहां से प्रश्न हर जो जो हम आपको बताए हैं सब हर चीज से यहां से प्रश्न आ रहा है, वर्ग के आधार, कर्म के आधार पे क्रिया को कितने भागों में बांटेंगे, सकर्मक क्रिया की परिभाषा दे देगा, पूछेगा ये क्या है। यहां से कर्ता क्रिया कर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, अब आप समझ गए। कुछ उदाहरण लेते हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण, सकर्मक क्रिया आगे जारी रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण लेके रखे हैं मैंने, मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के माध्यम से चीजें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी में उदाहरण से समझने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। उदाहरण से आप बिना परिभाषा पढ़े चीजों को समझ सकते हैं, तो उदाहरण से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, यहाँ पे अध्यापिका क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ा रही है, यानी कि क्या कार्य कर रही है, इसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पढ़ा रही है क्या होगा, क्रिया, ये क्रिया होगा। और पुस्तक क्या होगा, यानी कि क्या पढ़ रही है, तो आप कहेंगे पुस्तक पढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, क्रिया का प्रभाव जिस पे सबसे ज्यादा पढ़े उसे क्या कहेंगे, कर्म। तो यहाँ पे कर्म क्या होगा, पुस्तक। तो ये हो गई, आप क्या कहेंगे, ये क्यों, कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे
क्रिया के साथ कर्म भी आया है तो यहाँ पे होगा सकर्मक क्रिया। आपको ऐसे पहचानना, रमेश फल खाता है, क्रिया क्या हुई? खाना, यानी कि फल खाता है यानी कि क्रिया क्या हुई? खाना। और खाने का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? फल पे, क्योंकि क्या खा रहा है? फल खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया क्या होगी? खाता है तो क्रिया हो जाएगी खाना, और खाना क्या खाता है तो आप बताएंगे फल। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? फल पे। तो फल होगा, फल क्या होगा? कर्म। और जब कर्म होगा, आप कहेंगे जब क्रिया के साथ कर्म आ जाए तो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब यहाँ पे पूछा जाए क्या, अगर आप पूछ सकते हैं क्रिया क्या हो रही है, जैसे कि आप पढ़ रही है तो आप कहेंगे पुस्तक, जवाब मिला। क्या खा रहा है? आप कहेंगे फल। क्या चला रहा है? आप कहेंगे गाड़ी। क्या चलाती है? आप कहेंगे स्कूटी। क्या लाता है? आप कहेंगे सामान। यानी कि क्या का उत्तर मिल रहा है तो आप समझ जाइए तुलन की वो कर्म की बात कर रहा है। क्या का उत्तर कर्म होगा, जैसे पढ़ा रही है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, आप कहेंगे क्या पढ़ा रही है तो ऐसा रहेगा उत्तर, सॉरी पुस्तक। ऐसे ही आप कहेंगे कि क्या खा रहा है तो उत्तर आएगा फल। ठीक है, ये समझ गए ना? तो क्या, क्या का जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? कर्म। और क्रिया के साथ जब कर्म आ जाए तो उसे सकर्मक कहते हैं। तो ये सारे उदाहरण आपको समझ आ रहे होंगे, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण। सुदर्शन गाड़ी चलाता है, यहाँ पे क्रिया क्या होगी? चलाता, चलाता है क्रिया हो गई। क्या चलाता है, यानी कि उत्तर में क्या आएगा? कर्म। चलाता का सबसे ज्यादा प्रभाव गाड़ी पे पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी चला रहा है। क्या चला रहा है? गाड़ी। तो यहाँ पे गाड़ी क्या होगा? कर्म। जब क्रिया के साथ कर्म आ जाए तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। ऐसे ही काजल स्कूटी चलाती है, क्रिया क्या हुई? चलाती है। क्या चलाती है? उत्तर आएगा स्कूटी। काजल स्कूटी चलाती है, उत्तर क्या आएगा? स्कूटी। तो स्कूटी क्या होगा? कर्म। और जब क्रिया के साथ कर्म आ जाए तो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। ऐसे ही एक उदाहरण और समझते हैं। सुरेश सामान लाता है, लाता है क्या हुआ? क्रिया। और क्या लाता है? सामान लाता है, तो उत्तर में क्या मिलेगा? कर्म। ये क्या हो जाएगा? कर्म। क्रिया के साथ कर्म आ गया इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, श्याम ने राधा को रुपए दिए, यहां पे दिए क्या होगा? क्रिया, क्योंकि श्याम ने दिए तो दिए क्या हो गया? क्रिया। किसको दिए? राधा को। और क्या दिए? मैंने आपको बताया कि क्या का उत्तर कर्म आएगा, यहाँ पे क्या दिए? रुपए दिए, रुपए क्या हो गया? कर्म। वैसे ही इसका सबसे ज्यादा प्रभाव राधा को दिया है ना, तो राधा के ऊपर भी पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो दो कर्म आ गए हैं। वहां पे सिर्फ एक कर्म था, यहाँ पे दो दो कर्म हो गए हैं। श्याम ने राधा को रुपए दिए तो किसको दिया? राधा को। क्या दिया? रुपए दिए। किसको? ऐसे शब्दों में कर्म, जब जहां पे दो दो हो वहां पे आप दो तरीके से कर्म निकालेंगे, एक निकालेंगे किसको से, एक निकालेंगे क्या से। किसको निकालेंगे? सजीव के लिए, और क्या? निर्जीव के लिए। यहां पे क्या का उत्तर कर्म निकल रहा है और सब में निर्जीव निकल रहा है। जैसे क्या पढ़ रही है? पुस्तक। क्या खा रहा है? फल खा रहा है। क्या चला रहा है? गाड़ी। क्या चलाती है? स्कूटी। क्या लाता है? सामान लाता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया? रुपए दिए, यानी कि निर्जीव। क्या कहाँ यूज करेंगे? जहां पे निर्जीव की बात हो। और किसको कहाँ यूज करेंगे? जहां पे सजीव की बात हो। राधा कौन है? सजीव। तो यहाँ पे आपको दो दो कर्म दिखाई दिए, श्याम ने राधा को रुपए दिए,
दिए का सबसे ज्यादा प्रभाव रुपए पे पड़ रहा है, राधा पे भी पड़ रहा है, इस वजह से दोनों कर्म हुए। और अगले उदाहरण में देखेंगे, सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया, पढ़ाया क्रिया हो गई, किसको पढ़ाया छात्र को, किसको क्या हुआ सजीव, क्या पढ़ाया गणित पढ़ाया, क्या क्या हो गया निर्जीव। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि गणित और छात्र ये दोनों क्या होंगे, कर्म होंगे, यहां पे दो दो कर्म है। ऐसे ही राम ने सीता से पुस्तक ली, तो ली यानी कि क्रिया है, लेना क्या है क्रिया, क्या लिया पुस्तक लिया, किससे लिया सीता से लिया, यानी कि सीता और पुस्तक यहां पे दो दो कर्म है, इस वाक्य में दो दो कर्म है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया दो प्रकार की हम लोग बांट देंगे, एक जिसमें एक कर्म है उसे कहेंगे एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। और यहां पे इस इन उदाहरणों में दो दो क्रियाएं हैं एक वाक्य में, एक ये छात्र और गणित क्रियाएं, सॉरी क्रिया नहीं कर्म, यहाँ पे राधा और रुपए कर्म हुए, दो दो कर्म, यहाँ पे छात्र और गणित कर्म हुए, ऐसे ही सीता और पुस्तक कर्म है, तो यहाँ पे दो दो कर्म है इसलिए इसे कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो ऐसा है, आप समझ गए होंगे सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ में कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म आता है, द्विकर्मक क्रिया में दो दो कर्म आते हैं इसलिए इसको दो कर्म द्विकर्मक कहते हैं। आशा है आपको सकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण और उसको डिटेल समझेंगे। दोस्तों अकर्मक क्रिया देख लेते हैं, अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म नहीं आता है, आ का मतलब हुआ नहीं, तो यहाँ पे कर्म नहीं आता है। कुछ उदाहरण देखेंगे, पंछी उड़ रहे हैं, ठीक है पंछी उड़ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा उड़ना, उड़ रहे हैं ये क्या हो गया क्रिया हो गई, और यहाँ पे कौन उड़ रहा है पंछी उड़ रहे हैं, तो इस वजह से ये कर्ता हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी, यहाँ पे कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है बच्चा, तो बच्चा क्या हो जाएगा कर्ता, बच्चा कर्ता हो जाएगा, क्या कर रहा है रो रहा है, तो रो रहा है क्या हो जाएगी क्रिया। तो यहाँ पे आपको अकर्मक में कर्म नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले परिभाषा आती है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं, चार ऑप्शन, तो उसमें अकर्मक क्रिया। उसके बाद उदाहरण देगा कि यहाँ पे रो रहा है कौन, क्या होगा तो आप बताएंगे क्रिया, बच्चा क्या होगा बताएंगे कर्ता, या ऐसे पूछ सकता है कि बच्चा रो रहा है इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। रमेश दौड़ता है, कौन दौड़ता है रमेश, तो रमेश क्या हुआ कर्ता, दौड़ता है क्रिया। सांप रेंगता है, कौन रेंगता है सांप, तो क्या होगा कर्ता, क्या करता है रेंगता है, इस वजह से हो जाएगा क्रिया। तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्रिया पे बात कर ली, क्रिया को कर्म के आधार पे देख लिया, अब हम लोग देखेंगे क्रिया को प्रयोग व संरचना के आधार पर। क्रिया का अगला प्रकार हम लोग कल देखेंगे अगले पार्ट में, अगली क्लास में। आज हम लोग सीख गए हैं कि क्रिया क्या है, धातुएं क्या होती हैं, धातु से क्रिया कैसे बनता है, लास्ट में अंत में ना लगा देते हैं, जैसे पढ़ का हो जाएगा पढ़ना, ये सीखा, क्रिया सीखी, क्रिया के कर्म के आधार पे प्रकार देखे, दो प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रश्न आ चुका है कि कर्म के आधार पे क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, आप कहेंगे दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। फिर मैंने आपको सकर्मक क्रिया के बारे में बताया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया और डिटेल में बताया। दोस्तों आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के करिए, लगातार आप परिश्रम करते ही रहिए, परिश्रम के बाद सफलता निश्चित रहती है। तो आप बस आपकी एक ही जिम्मेदारी बनती है कि आप लगातार पढ़ें, मेहनत करें, जो मेहनत करता है उसको सफलता निश्चित मिलती है, आप ये मान के चलिए, आप कभी निराश नहीं हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको निःशुल्क क्लासे दे रहा हूँ, इसके बाद इसका क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो कृपया लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एकमात्र उद्देश्य जो आप मेरा सफल कर सकते हैं, इसको शेयर करके मेरा वीडियो उनके पास पहुंचना चाहिए जो जरूरतमंद हैं, जिनको निःशुल्क शिक्षा चाहिए, जो निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी को अच्छे से अपना स्कोरिंग विषय मान के पढ़ना चाहते हैं पर उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरा सहयोग करिए, आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, ठीक है। ये पुण्य का काम होता है, किसी को मदद करना पुण्य का काम होता है, तो आप इसको करिए। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपके पिछले कमेंट मैं देख रहा हूँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद, कल मिलते हैं क्रिया के अगले पार्ट में। थैंक यू।